सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन, थैंक यू। हेलो सुमन अभिक्रीम, स्वागत है आपका इट्स टेक्निकल में और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं स्पेसिफिकेशन करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी M21 की। M सीरीज में आने वाला M21 ये भी आने वाला है, अपकमिंग स्मार्टफोन आए तो इसकी स्पेसिफिकेशन करने वाला हूँ और इसके लॉन्च डेट और इसका प्राइस कितना होगा, स्पेसिफिकेशन सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको कुछ भी नहीं, वीडियो को एंड तक देखना है। दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले इसके कैमरे की, इसमें कैमरा ना बताया जा रहा है कि डुअल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। अगर डुअल रेयर कैमरा रहेगा ना तो एक होगा 24 MP का और दूसरा होगा 5 MP का, अगर ट्रिपल रहेगा तो तीसरा होगा 2 MP का। दोस्तों अगर हम बात करें इसके फ्रंट कैमरे की, 8 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है ऐसा कुछ यहाँ पर बताया जा रहा था। तो देखें दोस्तों इसमें रेयर कैमरा डुअल रहता है या ट्रिपल। क्या आप एक्साइटेड है इस स्मार्टफोन के लिए? सैमसंग का एम सीरीज में आने वाला सैमसंग गैलेक्सी M21। दोस्तों अगर हम बात करें इसके स्क्रीन की, 6.3 इंचेस के स्क्रीन साथ आता है दोस्तों और साथ में IPS LCD डिस्प्ले है और साथ में वाटर ड्रॉप नॉट डिस्प्ले भी है। सुपर AMOLED होता तो अच्छा ही होता, तो देखेंगे क्या का मतलब अमल कर रहता है होकर। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी बैटरी की, दोस्तों इसमें बैटरी लगी है 5000 mAh की, बिग बैटरी लगी है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात होने वाली, कमाल की बात होने वाली है, 5000 mAh की बैटरी है और साथ में USB टाइप सी पोर्ट और साथ में फास्ट चार्जर भी होगा, लेकिन ये कितने वाट का अभी तक यहाँ पर पता नहीं चला दोस्तों। फास्ट चार्जर है ऐसा कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है, तो देखेंगे दोस्तों। मेरे ख्याल से तो 18 वाट का होगा, आपका क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट जरूर लिखकर बता देना। दोस्तों अगर हम बात करें इसके सिक्योरिटी की, इसमें आपको रियर फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और इन डिस्प्ले होता तो अच्छा होता, लेकिन प्राइस है ना बहुत कम है। रियर फिंगरप्रिंट है ना वो तो बहुत बड़ी बात है, रियर फिंगरप्रिंट आपको इसमें मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं है। बजट फोन है दोस्तों, बजट स्मार्टफोन है ये और ये चलता है दोस्तों एंड्रॉइड 9 Pie पर और आपको हेडफोन जैक 3.5 में आपको मिल जाता है इसमें। दोस्तों अगर हम बात करें इसके रैम रोम प्रोसेसर की, इसमें 4GB रैम होगा दोस्तों, 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज और लगा होगा सैमसंग का एक्जिनोस 9609 प्रोसेसर। तो देखेंगे दोस्तों मतलब स्मार्टफोन तो बढ़िया होने वाला है, प्राइस भी कम है और 9609 वाला प्रोसेसर है एक्जिनोस का और 4GB रैम है, 64GB स्टोरेज है, 4GB रैम दोस्तों बदजट स्मार्टफोन। आपका क्या कहना है दोस्तों? आप ये फोन है ना एम सीरीज पॉपुलर रही हमेशा और उन्हीं पॉपुलर सीरीज में आने वाला है M21। दोस्तों आप एक बार जरूर सोच कर देखना, 4GB रैम मिल रहा है और आप गेम को कैसे एंजॉय कर पाएंगे, मतलब फोन का परफॉर्मेंस है ना बहुत ही बेटर होगा, बहुत ही भारी होगा ऐसा कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की, इसका प्राइस रखा गया है 10,990 रुपीज़ के आसपास हो सकता है ऐसा कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है इसका प्राइस सैमसंग गैलेक्सी M21 का। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसकी लॉन्च डेट की, ये लॉन्च है ना दोस्तों मार्च के महीने में लॉन्च हो सकता है ऐसा कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों। M11 M21 M31 एक ही महीने में लॉन्च हो जाएंगे एम सीरीज के स्मार्टफोन मार्च के महीने में ऐसा कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों। ये M21 भी लॉन्च हो जाएगा मार्च के महीने में, तो देखेंगे दोस्तों एग्जैक्ट इसकी लॉन्च डेट कब आती है। एग्जैक्ट लॉन्च डेट तो निकल कर आई नहीं, तो देखेंगे एग्जैक्ट लॉन्च डेट कब निकल कर आती है। अगर निकल कर आती है ना तो मैं आपको टेक्न्यूज में ज़रूर अपडेट कर ही दूंगा। मेरे डेली है ना 10-11 बजे टेक्न्यूज आती रहती है, इसमें डेली की जो भी अपडेट्स आते हैं ना वो मैं आपको बता देता हूँ, वो बहुत ही कमाल की टेक्न्यूज होती है, आप ज़रूर देख लेना। तो डेली आती है टेक्न्यूज मेरे 10-11 बजे, आप नहीं देखते तो ज़रूर देख लेना। दोस्तों आप सैमसंग गैलेक्सी M21 के लिए एक्साइटेड हैं क्या? और आपको इन स्पेसिफिकेशन में आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा सैमसंग गैलेक्सी M21 का, मुझे नीचे कमेंट जरूर लिखकर बताई देना। दोस्तों आज के वीडियो यहीं पर खत्म होता है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।